हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्योसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछला लेक्चर 13 है और उसमें हमने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ेंगे आज एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अच्छे से फील लेंगे और इस पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। ओके, तो हेडिंग रहेगा बच्चों एरिया वेक्टर। लगा हेडिंग एरिया वेक्टर। बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, आइए समझते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों ये एक एरिया है, सपोज दैट दिस इज द एरिया, ये एक एरिया है और इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज दैट ए। ये एरिया बच्चों प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। तो इस प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, ए है, मतलब लेंथ है और ब्रेथ है, मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया निकल आएगा। अगर कोई पूछे इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा इस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। आप किसी भी एक डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये सरफेस लिया, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप या तो अपवर्ड मान लीजिए या इस सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स मान लीजिए। और एक बात याद रखना, जब भी कोई आप डेरिवेशन कर रहे होंगे, एरिया वेक्टर अगर एक डायरेक्शन आपने ले लिया, ऊपर अगर हमने ले लिया, तो पूरे डेरिवेशन के दौरान, पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान, ड्यूरिंग द होल कॉन्सेप्ट, आपको एरिया क्या लेना होगा उस सिस्टम का, हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर ड्रॉ समझ लें। वेक्टर मतलब ये पूरा एरिया कवर करते हुए एक वेक्टर, पूरा एरिया कवर करते हुए एक डायरेक्शन दे रहे ऊपर, तो ये पूरा एरिया क्या करेगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। इसमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा, वेक्टर ए। क्लियर है बच्चों? और इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर हो जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, एन कैप। तो जिधर बच्चों एरिया वेक्टर होता है, उधर ही यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में ले लेंगे हम इस प्लेन सरफेस के। भाई एरिया है और एरिया में इसी, भाई ये क्या है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक स्केलर है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो स्केलर है, लेकिन जब इसमें एन कैप का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाता है एरिया वेक्टर, और तब इसकी वैल्यू हो जाएगी एन कैप इनटू ए। इस तरह एरिया वेक्टर को आप डिफाइन करोगे। ठीक है ना? तो जितने भी एरिया है आप उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा पूरे एरिया सहित। तो ये प्लेन सरफेस की बात हो गई। किसकी बात कर रहा हूं? प्लेन सरफेस की। क्या और भी सरफेस में हो सकता है? यस, और भी सरफेस में आप एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोई कर्व्ड बॉडी हो या कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस क्या होगा भाई? कर्व्ड है, उसमें तो प्लेन है नहीं, उसमें प्लेन तो है नहीं कि प्लेन सरफेस आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, तब क्या करेंगे? उस कर्व्ड सरफेस के लिए याद रखना, हमेशा कर्व्ड सरफेस की अगर है तो ऑलवेज आप क्या करोगे, उस कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे प्लेन सरफेस एरिया में डिवाइड कर लोगे, छोटे छोटे प्लेन सरफेस एरिया। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये आपका क्या है, मान लो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये इस टाइप का है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो क्या करेंगे,
इसके छोटे छोटे पार्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया ऐसे ऐसे, ये एक छोटा पार्ट ले लिया, इसका एरिया जो है वेरी स्मॉल है dA, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा S। ऐसे इसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, ऐसे और छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लें, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में बच्चों डिवाइड करके क्या करेंगे, सभी एरिया वेक्टर को जोड़ देंगे, तो पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर निकलता है ना। तो इसका कह सकते हैं कि एक छोटा सा सरफेस बना लीजिए, वेरी स्मॉल सरफेस, तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर जाएगा तो वो ट्रीट करेगा एज अ प्लेन सरफेस, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ट्रीटेड, ये ट्रीट करेगा बच्चों, ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर, कैसा ट्रीट करेगा, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर जैसा ट्रीट करेगा हमेशा। कहीं पे कर्व सरफेस देखिए, उसका छोटा सा पार्ट लीजिए, उसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया अगर निकालेंगे तो वो एरिया वेक्टर जैसा ट्रीट करेगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पूरे एरिया का, पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर आप बता सकते हो, ठीक है। तो यही है एरिया वेक्टर। डिफाइन कैसे करोगे इसको, डेफिनेशन कैसे देंगे, कि अ वेक्टर ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन सरफेस, द एरिया वेक्टर, सॉरी अ वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। किसी किसी बुक में बच्चों यहाँ पे वेक्टर एस लिखा होता है, तो वेक्टर एस लिखा रहे या वेक्टर ए लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो एरिया वेक्टर हम कैपिटल ए मतलब वेक्टर ए से नोट करेंगे, ये प्लेन है बिल्कुल, और प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया है। तो आपको एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा पूरे डेरिवेशन के दौरान एरिया वेक्टर, क्लियर है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है बच्चों, याद रखना एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर मत कहना, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये फिगर आप लोग बना लीजिए पहले, बना लिया फिगर बच्चों, बना लिया, ये है आपका एरिया वेक्टर। एरेस करें तो एरिया वेक्टर सीख गए हैं आप लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर जब भी आप निकालिए कर्व्ड सरफेस के लिए, तो छोटा सा वेरी स्मॉल एलिमेंट लीजिए, वो एज अ ट्रीट करेगा प्लेन सरफेस, और वहां से वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया वेक्टर। अब बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग लगाएं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, तो कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स याद रखना किसी फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लक्स, फ्लक्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी फील्ड की। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में क्या शो करता है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई हम एरिया वेक्टर ले ले, कोई एरिया बना ले, या एरिया को दे दिया जाए इतना एरिया, इतना पोर्शन, वहां पर आपको फील्ड की फील्ड लाइंस बतानी है, वही फील्ड की फील्ड लाइंस अगर बतानी है तो आप बता सकते हो। तो ये फील्ड का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसी फील्ड में पर्टिकुलर एरिया अगर आपको दे दिया जाए तो आप फील्ड में कितनी फील्ड लाइंस उससे पास कर रहे हैं उस एरिया से, ये आप बता सकते हो। तो फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस।
तो फ्लक्स अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। और डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन एक ही है इसकी, दो डेफिनेशन नहीं है, एक ही डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू, पासिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर थ्रू, थ्रू प्लेन सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही बच्चों डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगर वो प्लेन सरफेस कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी प्लेन के सर, प्लेन के परपेंडिकुलर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हो, कब, जब वो कहाँ पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो वही नंबर्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यही डेफिनेशन है बच्चों, यही डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, चलो मैंने मान लिया डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे तो इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई फाई ई, इसको फाई ई से डिनोट करते हैं बच्चों फ्लक्स को, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लो ये एक हमारा प्लेन सरफेस है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है इससे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा जो है कोई एक, हमने आपको चूज कर दिया एक एरिया, इसका एरिया अपना कुछ है, इस एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर तो कितना पास हो रही है, वही फ्लक्स है, ठीक है ना। अगर मैं एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ, देखो छोटा सा एरिया, मैंने कहा इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो कहोगे इस एरिया से थोड़ा कम फ्लक्स पास होगा, लेकिन फ्लक्स इससे भी पास हो रही है और इससे थोड़ा ज़्यादा पास हो रही है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो फाई ई है इससे ज़्यादा इसलिए पास कर रहा है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया मैक्सिमम है। इसका एरिया क्या है बच्चों, ज़रा इसको देखिए आप लोग, इसका एरिया क्या है, कम है तो कम फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, इसका एरिया ज़्यादा है तो फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास कर रही हैं, तो इससे फ्लक्स कहेंगे, इससे फ्लक्स कम है, इससे फ्लक्स ज़्यादा है, मतलब फाई की वैल्यू इससे ज़्यादा, इससे कम, तो एरिया पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर बच्चों सोचो फील्ड लाइंस अगर ऐसी होती, ऐसे यहां पे देखो फील्ड बहुत पास पास है, यहां पे स्ट्रांग फील्ड है, ऐसे जहां पास पास होती है फील्ड लाइंस, बच्चों जरा देखो जहाँ फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, ये आपको पता है फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ वीक होता है। अगर यहाँ इक्वल एरिया, इक्वल प्लेन, इक्वल एरिया का प्लेन सरफेस लगा दिया जाए तो किससे फ्लक्स पास करेगा, किससे कितना ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा, ये क्वेश्चन है। तो जैसे बच्चों की मैं अगर कहूँ यहाँ से
ऐसे, अब इसी के इक्वल हम देखो एरिया यहां पर ले रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे, देखो इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन, ठीक है ऐसे, यहां ज्यादा आ रहा है, इसके लेवल में आ रहे हैं ना बच्चों, हाँ थोड़ा सा इसके लेवल में आ रहे हैं, इसके लेवल कहाँ है, यहां पे है, ठीक है। अब जरा ये देखो क्या यहां से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ऐसे उतना ही एरिया बच्चों इससे फील्ड लाइंस कुछ कम पास हो रही है, ये फील्ड लाइंस बिल्कुल बाहर है, इसके अंदर नहीं है, एक मिनट, ये इससे देखा जाए बच्चों फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इससे इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रांग है और यहां पर वीक है, यहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया उतना ही ज्यादा है, तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे फ्लक्स ज्यादा पास करेगा, जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम फील्ड लाइंस होंगी वहां फ्लक्स भी कम पास करेगा। तो यहां एरिया पर देखने को मिल रहा है कि एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, और यहां किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, फील्ड के अमाउंट पर, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई यहां डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर, और यहां डिपेंड कर रहा है फ्लक्स फाई ई कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एरिया पर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एरिया ज्यादा होगा फील्ड में बच्चों, एरिया ज्यादा रहेगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, एरिया कम रहेगा तो फील्ड लाइंस कम पास करेंगी, मतलब एरिया पर डिपेंड करता है फ्लक्स, डायरेक्टली डिपेंड है, यहां फील्ड लाइंस स्ट्रांग है, फील्ड स्ट्रांग है तो फील्ड ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा है, यहां फील्ड वीक है तो फील्ड लाइंस कम पास हो रही, मतलब फ्लक्स कम पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड के मैग्नीट्यूड ई पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो पहला काम करिए बच्चों, यहां तक आप लोग इसको नोट ही कर डालिए, नोट कर लीजिए एरस करके, सॉरी वीडियो को स्टॉप करिए, नोट करिए, नोट कर लिया बच्चों, ओके अब मैं ऊपर से इरेज करूंगा बच्चों। अब एक क्वांटिटी और है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, इरेज करते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस फ्लक्स पे क्वेश्चन भी बनते हैं आगे चल के, गॉस थ्योरम भी पढ़ाएंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, गॉस थ्योरम और मजा आएगा उस, वो भी फार्मूला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए है, ये तो जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चल क्यों नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ऐसे, अगर मैं यहीं पर बच्चों इस सरफेस को हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। जरा ये बताओ क्या इससे फ्लक्स पास कर रहा है इस केस में, अभी तक हमारा सरफेस ऐसे था, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो एरिया वेक्टर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या अभी फ्लक्स पास कर रहा है, नहीं, अब फ्लक्स क्या कर रहा है, जीरो हो रहा है, यहां पे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, और यहां पर फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, यहां फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है,
इसके लिए एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, ये घूम करके 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच का एंगल, यहाँ सेम डायरेक्शन है मतलब एंगल दोनों के बीच का बच्चों 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, 90 डिग्री घुमा दिया गया तो क्या है, 0 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बनने बीच जो एंगल बनता है उस पर भी डिपेंड करता है, कौन, फ्लक्स। तो कैसे डिपेंड करता है जरा ये सोचिए, इनवर्सली डिपेंड है तो थीटा पे डिपेंड करता है एंगल पे, लेकिन कौन सा फंक्शन लिया जाए, साइन टैन कॉट, अगर देखते हैं साइन लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 डिग्री मैक्सिमम हो रहा है, 0 किस पर हो रहा है, साइन 90 देखे तो 1 होता है तो फ्लक्स कभी 0 होगा ही नहीं इस पर। तो कॉस की जब बात करते हैं बच्चों तो एरिया जो वेक्टर ई है और ए के बीच अगर 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 वैल्यू 1 और 90 डिग्री देखो यहां बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है तो कॉस 90 वैल्यू 0, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं ना कहीं फ्लक्स डिपेंड करता है बच्चों फाई ई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, दोनों के बीच जो एंगल बनता है उस पर डिपेंड करता है, इक्वेशन नंबर 3। तो तीन कॉन्सेप्ट बच्चों आया दिमाग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है दोनों के बीच जो एंगल बनता है बच्चों उस एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल के कोसाइन पर डिपेंड करता है, एंगल के कोसाइन पर, मतलब का एफ ई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यहाँ तीन फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं तो इन फैक्टर्स या इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा इक्वल करेंगे बच्चों, एक कांस्टेंट लेते हैं के ई ए कॉस थीटा, अब के की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो फाई ई प्रोपोर्शनल टू, यहाँ के की वैल्यू याद रखना कितनी होती है 1, बाई एक्सपेरिमेंटली एसआई सिस्टम के लिए एक्सपेरिमेंटली तो फाई इक्वल टू आएगा ई ए कॉस थीटा बच्चों, इतना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, यहां तक बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्टॉप करके नोट करिए बच्चों, नोट कर लिया बच्चों, तो इरेज करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। और बच्चों इस फोर्थ है तो फोर्थ को मैं ऐसे लिख सकता हूं फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। भाई आपने पढ़ा है ना बच्चों, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। भाई ई ए कॉस थीटा दिखाई पड़ रहा है तो मैं कह सकता हूं वेक्टर ई, वेक्टर क्वांटिटी ये भी वेक्टर है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहां तक क्लियर बच्चों, क्लियर है, एरेस करते हैं। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्या है, लगाएंगे केस यहां पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी आपने फ्लक्स देखा बच्चों, 90 डिग्री फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है, यहां पे आपके सामने दिखाई पड़ा। और 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा और भी नेगेटिव में। तो केस फर्स्ट लगाते हैं बच्चों, केस फर्स्ट, और इसका क्वेश्चन करेंगे सीधा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू बच्चों 0 डिग्री, देन बाय इक्वेशन 4th कितना होगा बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा,
मैक्सिमम फ्लक्स, यहां से इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स कितना होगा बच्चों, इसका होता है न्यूटन पर कूलंब, इसका होता है मीटर स्क्वायर, या इसी को हम वोल्ट मीटर भी लिखेंगे आगे चल करके, क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों। तो केस फर्स्ट अगर जीरो डिग्री लगाते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, और इसी मैक्सिमम फ्लक्स के हेल्प से इसका क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट। तो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। कैसे वोल्ट मीटर आएगा, न्यूटन इंटू मीटर बच्चों जूल होता है, और जूल पर कूलम्ब 10th क्लास पढ़ा है वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। केस सेकेंड लगाते हैं बच्चों, इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री, तो बाय इक्वेशन फोर्थ 90 रखोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, आप सबको पता है जीरो हो जाएगा, फ्लक्स कितना आएगा जीरो, फ्लक्स जीरो, मतलब एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स क्या होगा जीरो। केस थर्ड लगाए बच्चों, केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या बनेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इक्वेशन फोर्थ, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों आएगा फाई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एरिया। तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और बच्चों जीरो भी हो सकता है, ये आपने देख लिया है, ठीक है ना। फ्लक्स जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव मैक्सिमम कितना होगा ये याद रहेगा, टोटल एरिया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। अब कर्व सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां तक वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, नोट कर लिया बच्चों। तो फॉर कर्व सरफेस के लिए, फॉर कर्व सरफेस इरेज करते हैं, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे, टोटल जो फ्लक्स होगा फाई ई लिखते हैं, इंटीग्रेशन कर्व सरफेस है तो ऐसे लगा देते हैं डी फाई ई, छोटे छोटे एरिया का, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे और उससे फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई, और डी फाई ई कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए हो जाएगा, एरिया वेक्टर छोटे छोटे, उससे फ्लक्स निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, और इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय क्या होता है, किसी एक एरिया वेक्टर से फ्लक्स निकालेंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे, आपका टोटल फ्लक्स टोटल कर्व सरफेस एरिया से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ऐसे कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स कर्व सरफेस के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब फ्लक्स का टॉपिक यहां पर जो है कहानी खत्म होती है, अभी फ्लक्स गॉस थ्योरम से भी स्टडी करना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पहले इतने फ्लक्स पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फ्लक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखना है, सीख करके जाना है बच्चों, ताकि फ्लक्स से कोई प्रॉब्लम ना हो कभी लाइफ। फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स को काउंट कर लिया सर और बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना बच्चों। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। एक वाई जेड प्लेन है बच्चों, वाई जेड, उसी प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसकी एरिया से। वाई जेड में वो प्लेन है, याद रखना, वाई जेड मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो वाई जेड मतलब ये है आपका प्लेन और इससे फ्लक्स, ये है वाई जेड आपका, ऐसे बना लीजिए फ्लक्स, और इसी से फ्लक्स पास कर रहा है ऐसे, फ्लक्स ऐसे, और इसका यू, इसका जो एरिया दिया है कितना, 20 यूनिट्स है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है, एरिया वेक्टर नहीं दिया है आपको, एरिया वेक्टर चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स तो एरिया वेक्टर चाहिए, ये एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, कह रहा है वाई जेड प्लेन है ना, तो वाई जेड प्लेन में परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर होगा एरिया वेक्टर। और बच्चों एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस में है। देखो अलोंग एक्स एक्सिस होगा ना भाई, वाई जेड प्लेन है, मान लो एक्स ये है, वाई ये है और जेड ऐसे है, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है वाई जेड, ये वाई ये जेड एक्स इधर, तो वाई जेड ये है एक एरिया और इससे फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है। तो किस एरिया, एक एरिया वेक्टर किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा या इधर होगा, या तो इधर होगा या तो इस साइड होगा, तो किसी एक साइड मान लो, तो एक साइड मान लिया हमने एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको, एरिया वेक्टर इधर, वाई जेड प्लेन है, एरिया वेक्टर इस साइड, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका 20 मैग्नीट्यूड दिया है इनटू यूनिट वेक्टर, मैंने पढ़ाया था एरिया वेक्टर, एन कैप इनटू ए, ए तो दिया है लेकिन एन कैप नहीं मालूम है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर और एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, तो 20 आई कैप हो जाएगा बच्चों एरिया वेक्टर। फ्लक्स निकालना है, कुछ ना करिए, मैंने वेक्टर फॉर्म पढ़ाया है आपको, वेक्टर ई डॉट डी ए, वैल्यू पुट कीजिए 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप डॉट 20i कैप। 20i कैप है, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, ये टोटली जीरो हो जाएगा, इसका केवल बचेगा 120i डॉट आई, इसकी वैल्यू वन होती है तो 120 यूनिट्स, ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, क्लियर है, नोट करिए इसको। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, तो बच्चों ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन गिवन फिगर, फिगर आपका ये सामने है, आर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स अल्फा एक्स पावर 1/2, ई वाई ई जेड जीरो, इन विच अल्फा कितना है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एज्यूम ए कितना है बच्चों 0.1, बाद में यूज करेंगे इसका, ये दे दिया है। तो इस क्यूब से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का मतलब क्या है बच्चों, इसमें क्या गिवन है, गिवन ई एक्स बच्चों गिवन है अल्फा एक्स की पावर 1/2, ये है ई एक्स का मतलब बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस जीरो, मतलब वाई जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है
अब आपको पता है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है, मतलब जैसे डिस्टेंस जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, वैल्यू हो सकता है डिस्टेंस बढ़ने पर इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, वो बात की बात है, लेकिन आपको पता है ना कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई कम होगा, ठीक है, लेकिन वैरी कर रहा है। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, तो क्या इस एरिया से फ्लक्स कोई पास करेगा ऐसे? तो इस एरिया से इधर कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा, इधर कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा, इस साइड कोई फ्लक्स नहीं आएगा, इस साइड कोई फ्लक्स नहीं आएगा, मतलब कि इस साइड उस साइड इस साइड इस साइड कोई फील्ड लाइन्स पास नहीं होगी, फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। तो दो ही एरिया बचता है, दो ही एरिया बचता है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इनसे फ्लक्स पास कराना है। तो कैसे फ्लक्स पास कराएंगे? तो पहले ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इस साइड हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस सरफेस के लिए, इसको मैं कहता हूँ सरफेस वन, इसको कह दो सरफेस टू। तो सरफेस वन के लिए बच्चों, सरफेस वन के एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड। तो आपको पता है कि इससे जो फ्लक्स पास होगा माइनस ईए आएगा, केस थर्ड वाला 180 डिग्री, और इससे क्या होगा? ईए होगा। तो पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये यहाँ से ओरिजिन से, ओरिजिन ओ से ए डिस्टेंस पर है, मतलब है पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई वन पहले केस के लिए, अल्फा यहाँ रखेंगे हम क्या, ए, क्या रखेंगे, ए, ठीक है बच्चों, ए रख देंगे, पावर वन बाई टू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। तो फ्लक्स कितना होगा? फाइव वन। एरिया इस सरफेस का कितना होगा? ये एक तरह से प्लेन है, स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर। तो फ्लक्स E1 इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे बच्चों, अल्फा एट पावर वन बाई टू ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू? फाइव वन आ जाएगा आपका, अल्फा एक पावर टू टू जा फोर वन फाइव बाई टू, ये होगा ना, टू टू जा फोर, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो टू वन टू प्लस वन बाई टू, तो टू टू या फोर वन फाइव बाई टू। इतना फ्लक्स पास करेगा किससे? पहले एरिया से नहीं, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा बच्चों? माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस में आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर इस साइड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर इस साइड, तो माइनस में फ्लक्स पास करेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है यहाँ पर, ये इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ए प्लस ए, टू ए हो जाएगा बच्चों सेकेंड सरफेस के लिए। तो फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स के प्लेस पे रखेंगे कितना, ए प्लस ए, टू ए की पावर वन बाई टू, ई टू ए हो जाएगा। एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर यहाँ, एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स फाई टू मानेंगे आप, और फाई टू कितना हो जाएगा आपका? प्लस अल्फा, सॉरी हाँ, प्लस अल्फा ई ए, कैसे निकालेंगे? ई ए से निकालेंगे, या ई टू हम कह देते हैं एरिया, ई टू है अल्फा टू ए की पावर वन बाई टू, एरिया कितना? ए स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे अल्फा टू की पावर वन बाई टू अलग होगा, ए की पावर वन बाई टू अलग, ए स्क्वायर। तो अंडर टू अल्फा ये हो जाएगा ए की पावर फाइव बाई टू, इतना फ्लक्स फाई टू आ जाएगा। टोटल फ्लक्स बच्चों पूछेगा तो ये फ्लक्स साइन के साथ क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो जब भी टोटल फ्लक्स पूछेगा, टोटल
फ्लक्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फाइव वन प्लस फाइव टू, ये माइनस में ऐड करेंगे बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस अल्फा ए की पावर फाइव बाई टू प्लस अंडर टू अल्फा ए की पावर फाइव बाई टू, तो अल्फा ए की पावर फाइव बाई टू कॉमन हो जाएगा, रूट टू माइनस वन बचेगा। अब आप ए की वैल्यू 0.1 जो दिया हुआ है, ए की वैल्यू 0.1 यहां रखोगे, अल्फा की वैल्यू ये रखोगी, रख करके सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414 रख के सॉल्व करेंगे, आपका जो है बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी, मजा आया बच्चों पढ़ने में, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, आपके रेफरेंस एस अरोड़ा बुक में दिया है, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही इजली सॉल्व होगा। याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस साइड में, एक साइड डायरेक्शन दिया हुआ है, याद रखना इस चीज़ को, एक डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वैरी करेगा डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ वैरी करेगा, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है बच्चों। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी इफेक्ट कर रहा हो, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी उतना ही इफेक्ट हो, अलोंग सॉरी एक्स के अपोजिट में भी वर्क कर रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और इस साइड भी हो जाएगा, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जैसे मान लो पॉज सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां पर होगा इतना डिस्टेंस, उतना इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, उतना ही इफेक्ट होगा इस साइड भी। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर गॉस थ्योरम का होगा, और बहुत ही मजा आने वाला है गॉस थ्योरम का लेक्चर, और बेस्ट कॉन्सेप्ट है उस गॉस थ्योरम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।